ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। 22 ओवरलोड वाहनों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना। यमुना बॉर्डर पर एसपी के आदेश पर एसएचओ के नेतृत्व में टीम ने दो दिनों में ओवरलोड 22 वाहनों को जब्त कर चालान काटे और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यमुना बॉर्डर पर ओवरलोड वाहनों पर वीरवार को भी कार्रवाई जारी रही। दो दिनों में 22 वाहनों को जब्त कर चालान काटे और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हरियाणा को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग सनोली हरिद्वार पानीपत रोड पर यमुना नदी बॉर्डर पर जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम द्वारा ओवरलोड वाहनों पर कई महीने से कार्रवाई करने में ढील होने पर एसडीएम समालका गौरव कुमार ने औचक निरीक्षण के बाद वाहनों पर कार्रवाई चल रही है और उन्होंने यमुना बॉर्डर पर गठित ओवरलोड टीम को हर रोज आने जाने वाली अलग अलग विभागों की टीम कर्मचारियों पर ढील के चलते सख्त हिदायतें दी हैं। इस पर सुमित कुमार ने एसपी राहुल शर्मा व एएसपी के आदेश पर पुलिस टीम सहित सनोली रोड पर ओवरलोड वाहनों की स्पेशल चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसमें ट्रकों व डंपरों की जांच की, जिसमें चेकिंग में दो दिनों में 22 वाहन ओवरलोडेड मिले, जिन वाहनों को जब्त कर इंपाउंड कर चालान काटे और उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये ओवरलोड के लिए तो अलग से स्टाफ बना हुआ है प्रशासन की तरफ से, जो कि लगभग 11-12 आदमियों की टीम ज्वाइंट टीम आती है। अलग अलग विभाग से सभी अधिकारी आते हैं और यहाँ चालान करते हैं ओवरलोड का। लेकिन हमारे थोड़ा सा हमें महसूस हुआ कि हम भी अगर इनकी हेल्प करें तो काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे एसपी साहब के आदेशानुसार कल से हमने एक अभियान चलाया है, जो शाम को हमने यहाँ पे अपना शाम पूरी रात यहाँ पे लगाई, जिस ओवरलोड पकड़ा और इस टीम के हवाले करके उनके चालान करवाए। पूर्व विधानसभा स्पीकर सतबीर सिंह काद्यान द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सतबीर काद्यान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज किसान को आलू प्याज व फसलों के सही भाव नहीं मिलते, किसानों को घाटे का व्यापार करना पड़ रहा है, सरप्लस का कानून खत्म किए जाने की भी बात कही। भारतीय किसान यूनियन द्वारा भी समय समय पर मांग करते रहते हैं कि उन्हें फसल के दाम अच्छे नहीं मिलते। पूर्व स्पीकर ने भारतीय किसान यूनियन का समर्थन किया है। किसान को प्याज है, आलू है, टमाटर है, भाव नहीं मिलता, किसान को नहीं मिलता, कंज्यूमर को भी सस्ता नहीं मिलता। भाई कम से कम किसान को कुछ नहीं दे रहे तो खाने वाले को तो सस्ता मिले, उसको भी नहीं सस्ता मिल रहा, तो इनकी नीति गलत है। आज इस देश में भूमि सीमा है, हरियाणा में 12 एकड़, उत्तर प्रदेश में हरियाणा में 18 एकड़, उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़। अगर उससे ज्यादा किसान जमीन खरीदता है, उसकी जमीन सरप्लस कहलाती है, बहुत धनाढ्य हो गया है, बहुत अमीर हो गया है, 1900 एकड़ नहीं ले सकता। अगर कोई उद्योग लगाए, अगर कोई दुकान करे, अगर कोई दूसरा बिजनेस करे, कितना बढ़ाओ, कोई पाबंदी नहीं। किसान के ऊपर भूमि की पाबंदी समाप्त होनी चाहिए। वो उसी चीज में उसके बिजनेस की ट्रेंड है, दुकानदार का बेटा दुकान करता है, व्यापारी का बेटा व्यापार करता है, तो इस तरीके से किसान का बेटा अगर अपने पैसे से कुछ जमीन खरीद ले, सरकार को क्या पाबंदी। मैं सरकार से पूछता हूँ, क्या तकलीफ है इस भारत की सरकार को किसानों के लिए भूमि सीमा कानून लाने से? खत्म करो, कोई कितनी खरीदो, क्या करो, कोई किसी के टाइम से। और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने इंडस्ट्रीज के लिए ये सीमा खत्म कर दी। गन्नौर में पड़े बीएसटी वाले के 150 एकड़ न फैक्ट्री है, जमीन पड़ी न सरप्लस है, किस खाते की? किसान की होती तो जाती, व्यापारी की हो तो जाए नहीं। मैं व्यापारी के खिलाफ नहीं, आम गरीब आदमी ये उनकी बात कहना चाहता हूँ, जो लोग महसूस करते हैं सारे लोग। और भारतीय किसान यूनियन भी रोजाना बयान देती है, किसान के भाव मिलने की अच्छी बात, हम उनका समर्थन करते हैं। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल निमरी में पर्यावरण बचाओ पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल रितु सिंह ने छात्राओं के साथ पौधारोपण किया। प्रिंसिपल रितु सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण बचाओ में सबसे अधिक भूमिका विद्यार्थी निभा सकते हैं, इसके लिए वे संकल्प ले कि पौधे लगाकर उनका पालन पोषण करें, पर्यावरण बचाओ में आगे आने का आह्वान किया। पहले सभी को एक एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया जाता था,
लेकिन अब बढ़ते प्रदूषण को लेकर सभी को 5-5 पौधे लगाने होंगे, तभी पर्यावरण शुद्ध रह सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण वातावरण में एक मुख्य विषय है जिस पर सभी को गंभीरता से विचार करना होगा। If we grow more and more seeds, we get oxygen, and by oxygen we can survive more, and it is very good for our health. क्या नाम? किसी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। हमें जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, और जब तक हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे तो हम इजीली जीवन अपना जी पाएंगे। नहीं तो ड्रथ जैसी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनका हमें सामना करना पड़ेगा। क्या नाम जी? नमस्कार, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये आप सभी जानते हैं कि बिना पर्यावरण के हमारा जीवन संभव नहीं है। जीवन को सुचारित रूप से चलाने के लिए हमें पर्यावरण की ओर ध्यान देना होगा, और आज ये इतना आवश्यक हो गया है कि अगर एक बच्चा, एक बड़ा अगर ट्री ना लगाए, एक पेड़ ना लगाए, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? आधुनिकीकरण के चक्कर में, या हम कहें शहरीकरण के चक्कर में, हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई तो करते जा रहे हैं, लेकिन उससे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी हम कल्पना भी नहीं करते। ऑक्सीजन आजकल मार्केट में नहीं मिलती। ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलते हैं, लेकिन इमरजेंसी में काम आते हैं। जो प्योर ऑक्सीजन है वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। उसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप सब भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, और पर्यावरण को एक जो ये मतलब जितनी भी पोल्यूशन है उसे मुक्त बनाएं, ताकि हम सब आराम से, हमारी आने वाली जनरेशन आराम से इस संसार में, इस धरती पर सांस ले सके। आज श्री दिगंबर जैन पंचायत के द्वारा भगवान महावीर जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोगों का उत्साह प्रभात फेरी के माध्यम से भगवान को पालकी में बिठाकर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। इसके बाद दिगंबर जैन मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बाजारों से होते हुए वापिस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं में भारी जोश दिखाई दिया, और वह नाचते कूदते शोभा यात्रा में शामिल हुए। आज श्री दिगंबर जैन पंचायत के द्वारा भगवान महावीर जन्मोत्सव पानीपत शहर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, और सुबह से ही लोगों में उत्साह है, उमंग है। सुबह विमानोत्सव और प्रभात फेरी के माध्यम से नगर भ्रमण हुआ, भगवान को पालकी में बैठाकर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया, और अब शोभा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। यह शोभा यात्रा पानीपत दिगंबर जैन मंदिर जैन मोहल्ला से प्रारंभ होकर अमर वन चौक, धारीवाला चौक, गुड़मंडी बाजार, हलवाई अड्डा, सुभाष बाजार, सलाजन गेट, इन 4 चौक होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी, और पूर्ण रूप से लोगों में उत्साह है। लगभग 1000 से 1500 लोग शोभा यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं, भगवान महावीर का जयघोष कर रहे हैं,
और बहुत सुंदर सुंदर झांकियां जो यूपी से, दिल्ली से और जगह जगह से झांकियां और बैंड यहां पर शोभा यात्रा की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं और पूरे शहर में, पूरे जैन समाज में आज उत्साह है, उमंग है।